अगर आप कहीं पे खड़े हो या आपके घर में हो आप और आपके सामने एक सांप आ जाता है एक स्नेक आ जाता है वॉट वुड यू डू क्या होता है एक नेचुरल रिएक्शन सबसे पहले तो चिल्लाओगे मम्मी ठीक है फिर क्या करोगे फिर ऑब्वियसली या तो आप या आपके कोई फैमिली मेंबर्स स्टिक ले आएंगे कोई चीज ले आएंगे जिससे उसको मारने की कोशिश करेंगे राइट right? यही होता है हमेशा या तो वो सांप भाग जाता है या फिर आप उसको मार देते हो सो so यहीं पे ये जो पोएट हैं वो आपको एक ही चीज बता रहे हैं कि जब भी हम स्नेक्स को देखते हैं हमारे दिमाग में सबसे पहली चीज़ यही आती है कि अगर सांप काट लेगा तो भाई उसका पॉइजन फैल जाएगा एंड वील अल्टीमेटली डाई सो अकॉर्डिंग टू अस, ऑल द स्नेक्स आर पॉइजनस ऑल द स्नेक्स आर विनोमस यानी कि विनोम होता है यानी पॉइजन होता है उनके अंदर बट ऐसा कुछ नहीं है अब इसका मतलब ये नहीं है कि जब आपके सामने सांप आ जाए तो उसके साथ बैठ जाओ बिल्कुल बातें छाते करो उसको काटने दो ऐसा नहीं बोल रही हूं मैं बट यहाँ पोइट क्या बोल रहे हैं कि एकदम से ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि आपके सामने कोई सांप आ जाए तो आप उसको सिर्फ मारने का सोचो नहीं बिकॉज बहुत यू नो क्वाइट पॉसिबिलिटी है कि जो स्नेक है वो पॉइजनस ना हो बिकॉज आर होट्स ऑफ स्नेक्स जो कि पॉइजनस नहीं होते हैं तो यहाँ पे पोइट वही चीज बोल रहे हैं You know, yani, स्नेक लेमी मारो मत भगा दो मारो मत ठीक है ऐसा पोइट का कहना है तो यही एक पोम में एक सॉर्ट ऑफ स्टोरी हम पढ़ने वाले हैं जहां पर ये पोइट बता रहे हैं कि कैसे वो एक स्नेक को देखते हैं जो की ग्रीनिश कलर का है वो पॉइजनस नहीं है उसके बारे में वो एक इमेज क्रिएट करेंगे हमारे माइंड में कि कितना ब्यूटिफुल लगता है स्नेक जब वो यू you नो know, कर्व कर कर करके जाता है तो कितने फैसिनेटिंग कितने यू you नो know, मिसाइजिंग से शेप्स बनते हैं उसकी बॉडी के ये सब चीजें हमको वो बताना चाहते हैं सो हेयर इन दिस कंप्लीट पोअम देर इज जस्ट वन सिंगल मैसेज दैट द दोइ वॉन्ट्स टू गिव यू एंड दैट इज ऑल द स्नेक्स आर नॉट पॉइजनस सारे स्नेक्स जो हैं वो पॉइजनस नहीं होते हैं तो आपको सिर्फ उनको मारने का नहीं सोचना चाहिए जब भी आप उसको देखो

पोइट वॉन्ट्स टू से दैट ऑल स्नेक्स आर नॉट हार्मफुल बस वो एक ही चीज समझा रहे हैं सारे के सारे स्नेक्स जो है वो हार्मुल नहीं होते हैं क्लियर तो चलिए बिगिन करते हैं विदेरी फर्स्ट एंड पोम जहां पर पोइट कह रहे स्नेक ट्राइंग टू एस्केप दर्सुंग स्टिक विध सडन लॉन्ग बॉडी हाउ ब्यूटिफुल एंड ग्रेसफुल आर हिस्स शेप्स तो यहां पर जो स्नेक ट्राइंग टाइटल भी है उसका मतलब क्या है कि जब भी हम स्नेक को देखते हैं हम एक डंडा लेके एक स्टिक लेके उसके पीछे भागते हैं उसको भगाने के लिए या मारने के लिए और जो स्नेक है वो ट्राई कर रहा है क्या करने की ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम दैट स्टिक फ्रॉम दैट ह्यूमन बींग तो वो अपने आप को बचाने के लिए भाग रहा है ट्राई कर रहा है इसलिए बोला गया है द स्नेक ट्राइंग क्लियर तो इन द फर्स्ट लाइन द पोइट इज संग द स्नेक ट्राइंग टू का मतलब क्या होता है जो चीज चेस कर रही हो फॉलो कर रही हो यानी पर pursuing का मतलब क्या है कि वो जो stick है, वो जो है, कर रही है किसको? स्नेक को क्लियर तो यहाँ पे बात की गई है कि टू स्केप द परसुविंग स्टिक विथ सडन ऑफ लॉन्ग बॉडी तो जब भी हम देखते हैं कि स्नेक को यू you नो know, तो वैसे कर्व बना के चलता है राइट right? तो यहां पे पोइट कह रहे हैं कि स्नेक को जैसे दिख रहा है कि उसको स्टिक से भगाने की कोशिश की जा रही है स्टिक से मारने की कोशिश की जा रही है तो वो ये स्टिक से बचने के लिए जिस तरीके के सडनली क्या बना लेता है कर्विंग्स बना लेता है अपनी बॉडी में थिन लॉन्ग बॉडी बहुत पतली सी बॉडी होती है और उसके क्या बन जाते हैं कर्विंग्स बन जाते हैं हाउ ब्यूटिफुल एंड ग्रेसफुल आर एस शेप्स यहाँ पोइट कहते हैं कितना खूबसूरत लगता है नो जब shapes बनते हैं, कि जिस तरीके से वो ये इतनी पतली सी बॉडी से कर्व बना रहा है तो ये कर्व कैसे लगते हैं पोइट को बहुत ब्यूटीफुल और ग्रेसफुल लगते हैं फैसिनेटिंग लगते हैं तो वो यही चीज यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब यू you नो know, किसी भी ह्यूमन बींग को स्नेक दिखता है तो वो कोशिश करते हैं उसको स्टिक के थ्रू भगाने की या मारने की तो जैसे ही वो स्टिक को देखता है स्नेक वो डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए क्या करता है वो भागने की कोशिश करता है

लेट हिम गो ओवर द वॉटर इन टू द रीड्स टू हाइट विदाउट हर्ट स्मॉल एंड ग्रीन हीस इवन टू चिल्ड्रेन तो यहां पोइट कह रहे हैं वाटर अवे यानी कि ग्लाइड मतलब मूव करना यानी कि वो पानी की तरफ जा रहा है की भागने की कोशिश भागने की सॉरी एस्केप करने की कोशिश कर रहा है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ह्यूमन बींग जो कि स्टिक से उसको भगा रहे हैं तो वो वॉटर अवे से जा रहा है फ्रॉम द स्ट्रोक स्ट्रोक मतलब जो हिट एकदम से जो स्टिक्स से उसको मार पड़ेगी उससे वो भागने की कोशिश कर रहा है सो ही मूव्स अवे फ्रॉम दीज स्ट्रोक्स

और वो पॉइजन से बच्चों को फर्क पड़ता है अगर वो स्नेक किसी बच्चे को काट लेता है तो बच्चे पे असर पड़ता है दैट चाइल्ड कैन लूज हिज लाइफ बट वही स्नेक जब किसी एडल्ट को काटता है तो फिर कोई फर्क देखने को नहीं मिलता तो इसीलिए यहाँ पोइट कह रहे हैं मतलब वो बिल्कुल भी पॉइजनस नहीं है बड़ों की बात तो छोड़ो छोटे बच्चों को भी वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा तो ओवरऑल इन दिस द इज टेलिंग कि ये जो सांप है जो स्नेक है इट्स ट्राइंग टू मूव अवे फ्रॉम द स्ट्रोक इट्स ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम दैट स्टिक और वो जाता है पानी के घर पर फिर जाके कहाँ छुप जाता है वो इन रीड्स के पीछे इन मार्शी प्लांट्स के पीछे तो यहां पोइट हमसे फिर क्या करते हैं रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज लेट हिम गो बिकॉज ही इज इवन हार्मलेस टू द चिल्ड्रन वो बच्चों को भी नुकसान नहीं पहुंचाता क्लियर ऑल राइट नेक्स्ट एंड द लास्ट स्टैंड पोइट कहते हैं अलोंग द स्टैंड ही ले अंटिल ऑब्जर्व एंड चेज्ड अवे एंड नाउ ही वैनश इन द रिपल्स अमंग द ग्रीन स्लिम रीड्स अब यहां बोल रहे हैं कि वो जो है सैंड जहां मिट्टी रखी हुई है you know, मार्शी के वो वहां पर बैठा हुआ रहता है कोई ह्यूमन लेता और चेज़ भगाने की कोशिश नहीं करता तब तक वो सैंड पे आराम से बैठा रहता है एंड नाउ ही वैनिश इन द रिपल्स वैनिश मतलब गायब हो जाना रिपल्स क्या होते हैं जो इस तरीके की जो रिपल्स बनते हैं वेव्स बनती है उनको कहते हैं पानी में रिपल्स तो वो क्या कर रहा है वो ये मार्शी प्लांट्स के इधर पे छुपने की कोशिश कर रहा है राइट तो वहां क्या है पानी है राइट तो वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर पोएट कि जब तक उसको कोई ऑब्जर्व नहीं कर लेता उसको भगाने की कोशिश नहीं करता वो सैंड पे ही बैठा हुआ है बट जैसे ही उसको कोई भगाने की कोशिश करता है वो एकदम से गायब हो जाता है इन दीज रिपल्स अमंग द ग्रीन स्लिम रीड्स जो कि ग्रीन कलर की बिल्कुल पतली सी जो रीड्स हैं जो प्लांट्स जो भी हमने देखे उनके पीछे जाकर छुप जाता है और इस टर्म को हम कह सकते हैं कैमोफ्लेज कर लेता है इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है कि जो स्नेक है वो भी कौन से कलर का है ग्रीन कलर का जो प्लांट्स है वो भी कौन से कलर के हैं ग्रीन कलर के तो सॉर्ट sort ऑफ of पता ही नहीं चलेगा वो स्नेक कहां चला गया बिकॉज सेम कलर के तो इसको कहते हो करना जैसे कि कमेलियन की बात करते हैं हम कि वो अपना कलर चेंज कर लेता है अकॉर्डिंग टू इट सराउंडिंग्स तो फ्लैज बोलते हैं तो सेम चीज यहाँ पोइट कह रहे हैं कि फाइनली जब तक हम उसको नहीं देख लेते हैं वो सैंड पर रहता है बट जैसे ही उसको चेस करने की कोशिश करते हैं भगाने की कोशिश करते हैं वो जाता है सडनली वैनिश गायब हो जाता है इट डिसअपियर्स एंड दैट टू वेर ही गोजो फ्लैच इट से

हार्मफुल एंड ऑल्सो अगर जो पॉइजनर स्नेक्स भी होते हैं तो पोएट कहीं ना कहीं डायरेक्टली ये मैसेज कन्वे कर रहे हैं कि जो पॉइजनर स्नेक्स भी होंगे जब तक आप उनको परेशान नहीं करोगे जब तक उनको कोई डेंजर सेंस नहीं होगा वो आपको क्यों काटेंगे दैट इज समथिंग जो पोइट यहाँ पे आपको कन्वे कर रहे हैं दैट डू नॉट ट्राई टू किल दिनिमल्स आज इफ

हमें पता है अभी तक कि इस पूरी पोम में हम बात कर रहे हैं एक ग्रीन कलर के स्नेक की जो कि उन्होंने जिस स्टिक से बच रहा है यानी कि जब कोई स्नेक को देखता है ऑब्वियसली तो वो डर के मारे क्या करते हैं उसको भगाने की कोशिश करते हैं या उसको मारने की कोशिश करते हैं बिकॉज ये एक नोशन बन चुका है कि हर एक स्नेक जो है वो पॉइजनस होता है वो विनोमस होता है तो क्या करते हैं लोग अपने आप को बचाने के लिए क्योंकि वो डर जाते हैं दे गेट टेरराइज बाय यू नो सीइंग अ स्नेक तो वो क्या करते हैं उसको मारने की कोशिश करते हैं उसको भगाने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे पोइट वही बोल रहे हैं कि एवरी स्नेक इज नॉट पॉइजनस सो वी शुड नॉट ट्राई टू किल ईच एंड एवरी स्नेक दिस इज समथिंग जो कि एक मैसेज दे रहे हैं कौन पोइट क्लियर तो स्नेक इज ट्राइंग टू सेव इथ सेल्फ फ्रॉम द परसुंग स्टिक दैट्स वाई इट इज नोन एज द स्नेक ट्राइ डन ऑल राइट चलिए बिगिन करते हैं विद द समरी सो इन दोम दैट इज द स्नेक ट्राइंग हार्मलेस ग्रीन कलर्ड स्नेकइंग टू एस्केप हिम सेल्फ फ्रॉम द मैन हुम विदिक अब देखो यहां पर अगर आपको बोला जाए कि टाइटल जो है उसको क्या करो जस्टिफाई करो और इज द टाइटल अप्रोप्रिएट इज द स्नेक ट्राइंग टाइटल गिवन टू दोअम ओके और करेक्ट राइट तो यहां आपको क्या बताना पड़ेगा कि क्योंकि इस पूरी पोअम में बात ही किसकी हो रही है एक हार्मलेस ग्रीन कलर स्नेक की जो कि ट्राई कर रहा है अपने आप को बचाने की वो ट्राई कर रहा है टू तो स्केप छुप जाने की कोशिश कर रहा है हिम सेल्फ फ्रॉम द मैन हु इज ट्राइंग टू कैच हिम विथ हटेक अभी हमने हिम हिम क्यों लिखा है वैसे तो हम इट यूज करते ना स्नेक के लिए बट क्योंकि पोएट ने पूरे जानस में जहां पर भी प्रोनाउन यूज किया है स्नेक के लिए उन्होंने ही लिखा है यानी वो खुद क्या कर रहे हैं उसको परसोनीफाई कर रहे हैं तो इसीलिए हम हर जगह ही हिम का यूज करें अदर देन दैट अगर पोएट ने नहीं यूज किया होता ये प्रोनाउन ही देन डेफिनेटली वी वी वुड यूज इट बिकॉज आर नॉट श्योर कि हम स्नेक में यू नो किसकी बात करें क्लियर तो यहां पर हम हिम ही ये सब इसलिए यूज बिकॉज येट ने खुद पर सोनिफाई कर दिया डन तो बिकॉज जो जो स्नेक है इस पूरी में मेजरली हमको देखने को मिल रहा है वो यही है कि द स्नेक इज ट्राइंग टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द स्टिक फ्रॉम द परसुइंग स्टिक जो कि यू नो एक मैन लेके घूम रहा है सो दैट वो उसको क्या कर पाए तो इसीलिए द स्नेक ट्राइंग इज द टाइटल क्लियर ंग बॉडी पोइट डिस्क्राइब मूवमेंट एज ग्रेसफुल एंड एलिगेंट तो पोइट यहाँ बोलते हैं कि जब भी स्नेक मूव कर रहा है स्नेक इज ट्राइंग टू सेल्फ तो क्या कर रहा है वो जब मूव कर रहा है तो ऑब्वियसली हमें पता है कि स्नेक के क्या बनते हैं कर्व और ट्विस्ट बनते हैं कर्व बनता है फिर ट्विस्ट होता है कर्व बनता है फिर ट्विस्ट होता है राइट तो यहाँ पोइट वही एक्सप्लेन कर रहे हैं हम शॉर्ट ऑफ एक इमेज फॉर्म कर रहे हैं हमारे माइंड में कि जब स्नेक इस तरीके से मूव करता है तो वो बहुत से कर्व्स और बहुत से ट्विस्ट फॉर्म करता और बिकॉज़ ऑफ दैट ऐसा लगता है कि उसके जो बॉडी के शेप्स हैं वो क्या हैं बहुत फैसिनेटिंग हैं बहुत ब्यूटीफुल हैं ग्रेसफुल हैं क्लियर तो पोइट ने यहाँ पर जो भी शेप्स बना रहे हैं स्नैक उसको बहुत ही ब्यूटीफुल एलिगेंट और ग्रेसफु पोइट सेज दैट द स्नेक मूव थ्रू द वॉटर टू सेव हिम सेल्फ अब धीरे धीरे वो बता रहे हैं ना कि पोइट की स्नेक जो है वो किस तरीके से अपने आप को सेव करने की कोशिश कर रहा है सो दे पोइट से स्नेक मूव थ्रू द वॉटर टू सेव हिम सेल्फ वो पानी से मूव करता है ताकि वो अपने आप को बचा सके द पोइट रिक्वेस्ट दीपल टू लेट हिम एस्केप एंड हाइड बिहाइंड थिक मार्शीट प्लान एज इट इज हार्मलेस अब ये पानी के आधार पर क्या है रीड्स हैं जो कि क्या होते हैं थिक मार्शी प्लांट्स होते हैं वाटर के नियर ही आपको मिलेंगे तो जो पोइट हैं वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं लोगों से कि प्लीज लेट हिम गो एंड लेट हिम एस्केप बिहाइंड दीज मार्शी प्लांट्स थिक मार्शी प्लांट्स क्योंकि वो हार्मफुल नहीं है तो वो अगर छुपने की कोशिश कर रहा है तो उसको प्लीज जाने दीजिए एज इट इज हार्मलेस क्योंकि पोइट यही बताते हैं कि दिस स्नैक इज इवन हार्मलेस टू चिल्ड्रन टू किड्स ऑफ स्नेक्स हु हैव काइंड ऑफ यू नो पॉइजनस इम्पैक्ट और इल इफेक्ट ऑन चिल्ड्रेन एंड नॉट ऑन एडल्ट और कुछ स्नेक्स होते हैं जो बहुत ज्यादा पॉइजनस होते हैं लाइक किंग कोबरा आपने सबसे कॉमनली सुना होगा तो वो तो चाइल्ड हो या एडल्ट हो हर किसी पर पॉइजन का जो उसका इफेक्ट है बहुत बड़ा होता है एंड पर्सेंटाइज ठीक है तो यहां पे वही चीज बोल रहे हैं जो पोएट हैं कि इवन बच्चों के लिए भी हार्मलेस है यानी कि एडल्ट की तो बहुत दूर की बात है इवन ये स्नेक अगर किसी बच्चे को भी बाइट करता है तो इट्स नॉट हार्मफुल फॉर द किड इट सेल्फ किड ऑल्सो तो यहाँ पे यही चीज वो बोल रहे हैं ही इज काइंड ऑफ रिक्वेस्टिंग ही इज काइंड ऑफ टेलिंग पीपल दैट प्लीज लेट द स्नेक गो एंड हाइड बिहाइंड मार्शेस बिकॉज इट्स हार्मलेस

होल्डिंग अ स्टिक अब यहाँ पे पोइट यही बोल रहे हैं कि जो स्नेक है जब तक उसको उस पर्टिकुलर मैन ने यू you नो know, चेस करने की कोशिश नहीं की फॉलो करने की कोशिश नहीं की पकड़ने की कोशिश नहीं की तब तक वो आराम से स्टिल बिल्कुल रुका हुआ बैठा हुआ था कहां पर सैंड पे इसका मतलब यहाँ पोइट यही कह रहे हैं कि अनटिल अनलेस आप खुद यू नो स्नेक को परेशान ना करो या स्नेक को जब तक कोई डेंजर साइन नहीं दिखता है कि हाँ कुछ सेंस हो रहा है उसको कि मैं डेंजर में हूँ मे भी मुझे ये ह्यूमन यू नो मारने वाला है तब तक वो कुछ नहीं करता ऐसा पोइट कह रहे हैं तो जब तक आप खुद एनिमल को यू नो जाके नहीं ट्रेवल कर रहे हो उसको ऐसा फील नहीं करा रहे हो कि वो डेंजर में है टिल एनिमल वुड नॉट कम एंड ट्रेवल यू टू सो यहाँ पे भाई बोल रहे हैं कि जब तक यू नो स्टिक लेकर उसको स्नेक कहा था स्टैंड पे स्टिल बैठा था स्टेशनरी बैठा था मूव नहीं कर रहा था इन ऑर्डर टू सेव हिमसेल्फ स्नेक डिस इन द रिपल्स ऑफ वॉटर एंड हाइड इन दैमोफ्लाजिंग ग्रीन बुशीज ऑफ द मार्शी तो so, यहां पे पॉइट कह रहे हैं कि जैसे ही इस मैन ने वो स्टिक के साथ इसको यू नो चेज करने की कोशिश की उसको पकड़ने की कोशिश की सो द स्नेक वॉज ऑफ द व्यू कि मे बी आई एम इन डेंजर उसकी लाइफ डेंजर में है एंड इट कुड बी किल्ड सो द स्नेक वॉज लाइक कि मुझे बचना चाहिए तो क्या करता है स्नेक वो खुद को बचाने के लिए एकदम से ये जो पानी के रिपल्स हैं पानी में अगर आप एक स्टोन फेंको तो रिपल्स बन जाता है ठीक है तो ये रिपल्स में वो खुद हाइड करने की कोशिश कर रहा है एंड ऑल्सो बिकॉज ये जो स्नेक है वो ग्रीन कलर का है और ये जो बुशेस है मार्शी प्लांट्स की वो भी ग्रीन कलर की है तो वो सॉर्ट ऑफ वहां हाइड इसलिए कर रहा है क्योंकि क्या कर जाएगा वो कैमो फ्लैच क्या, क्या है कि सेम कलर का है भाई स्नेक भी तो दिखने में पता ही नहीं चलेगा कि स्नेक है कि प्लांट्स है सो दिस इज वॉट इज कैमो तो वो जो है छुपने की कोशिश कर रहा है बिकॉज द स्नेक इज काइंड ऑफ सेंसिंग दैट डेंजर फ्रॉम दिस मैन हु इज ट्राइंग टू चेज हिम टू किल हिम क्लियर ना द पोएट इज ट्राइंग टू से जो स्टैंड है, जो stanza है उसका line by line आपने सब नहीं देख लिया बट नाउ अब पोएट कहना कह चाह रहा है बिकॉज दिस पोयम इज वेरी शॉर्ट एंड वेरी सिंपल बट समवेर इसका मीनिंग बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स लगता है बच्चों को एंड इवन यू गाइज वस्किंग यू नो द कॉमेंट सेक्शन की कब पढ़ने वाले स्नेक ट्राइन बिकॉज ऐसा लगता है कि क्यों पढ़ाइए ये पोअम क्यों आप बोलना चाह रहे हैं पोएट तो अब हमें समझ आएगा कि हम क्यों पढ़ रहे हैं इस पोम को सो द पोएट इज जस्ट ट्राइंग टू कन्वे टू ऑल ऑल ऑफ यू द रीडर्स दैट ऑल स्नेक्स आर नॉट पॉइजनस सारे के सारे स्नेक्स जो हैं वो पॉइजनस नहीं होते हैं सम ऑफ देम आर क्वाइट

जब तक उसको ये नहीं लगेगा कि इस ह्यूमन बींग से मुझे डेंजर है वो मुझे मारने की कोशिश कर रहा है भगाने की कोशिश कर रहा है या फिर आप ऐसे ही छेड़ रहे हो स्नेक को जो कि करते तो नहीं है लोग वैसे बट अगर आप ऐसे डेड डेवल हो आप उसको इसी यूनो you know, तंग कर रहे हो तो फिर स्नेक यू नो you know, वो एक सेंसेशन हो जाता है कि ये साइमन डेंजर सो सॉर्ट ऑफ वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करता है ही ट्राइज टू सेव हिमसेल्फ और इसीलिए वो क्या करता है या तो आपको बाइट करता है प्रोटेक्शन में सेल्फ डिफेंस में या फिर वो भागने की कोशिश करता है सो यू शुड नॉट ट्राई टू किल ईच एंड एवरी स्नेक

तो ये पूरी पोम जो है वो एक फ्लो में है हमने इसको पार्ट्स में डिस्कस किया है बिकॉज अदर देन ऐसा नहीं हो जाता नहीं तो बहुत ज्यादा यू नो क्रिएट हो जाता है लगता है कि समझ नहीं आता एक साथ पकड़ते पढ़ते अगर तो इसीलिए यहाँ पर हमने क्या किया है इसको एक साथ अब लिख दिया जैसे कि एक्चुअली ये पोम है दिस इज इन जस्ट वन स्टैंड क्लियर तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखोगे हम बिगिनिंग में ही ये चीज समझ जाएंगे कि यहाँ कोई राइम स्कीम है ही नहीं क्लियर जैसे हम बात करें द स्नेक ट्राइंग तो ट्राइंग क्या होने वाला है ए Next, अगर हम जाते हैं स्टिक पे. अब और साउंड कर रहे हैं क्या नॉट एट ऑल सो दिस वुड बिकम बी सिमिलरली विथ सडन अब ट्राइंग और थिन में सेम साउंड आ रहा है क्या नो आर स्टिक एंड थिन सेम नो तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा सी नेक्स्ट है लॉन्ग बॉडी हाउ ब्यूटिफुल अब ब्यूटिफुल वर्ड और ट्राइंग आर दे साउंडिंग सेम नो देन स्टिक एंड ब्यूटिफुल दे आर ऑल्सो नॉट साउंडिंग सेम और थेन और ब्यूटिफुल भी राइम नहीं हो रहे हैं तो ये हो जाएगा डी सिमिलरली नेक्स्ट वर्ड पर जाते हो शेप्स तो शेप्स और ड्राइंग भी क्या कर रहे हैं भाई साउंड सेम नहीं कर रहे हैं स्टिक और शेप्स का भी सेम साउंड नहीं है तो यह क्या बन जाएगा ई e. ऐसे ही आप जाते जाओगे ना तो कहीं मुश्किल से एक दो लेटर रिपीट हो जाएंगे बट कंप्लीटली पोम में कोई भी राइमिंग स्कीम देखने को नहीं मिल रही है और हमें पता है टिल नाउ वी आर वेरी वेल यू नो अवेयर ऑफ द फैक्ट

क्लियर चलिए अब डिस्कस करते हैं डिफरेंट लिटरे डिवाइजेस डिवाइस या डिवाइस जो हमको दिखने को मिलती है इस पोम में वो है ट्रांसफर्ड एपिथेट अब ये जो है है अभी तक हमने डिस्कस नहीं की है, पूरे जितने भी अभी तक पोम्स हमने कहीं पर भी ट्रांसफर्ड एपिथेट का यूज नहीं हुआ है बट नाउ वी विल लर्न दिस न्यू पोइट्रिक डिवाइस तो ध्यान से सुनना ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या है यहां पर इसका मतलब ये है कि जब एक एब्जेक्टिव है और इसके साथ क्या है एक नाव जैसे हैप्पी और फिर लिखा है पर्सन अब हमें भी पता है हैप्पी क्या है एक इमोशन है बता रहा है क्वालिटी है तो ये क्या हो जाएगा एब्जेक्टिव और पर्सन क्या है भाई पर्सन है नाउन ये एक नेम है तो ये हो गया नाउन क्लियर तो एब्जेक्टिव और नाउन एक साथ है बट अगर ऐसा कुछ हो कि हम यहां पर पर्सन की जगह कुछ और रखते कुछ ऐसा जो कि हैप्पी होता नहीं है हम कुछ और कहना चाह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोलते हैं यहां पर हैप्पी डे तो डे क्या है ये भी नाउन है बट क्या डे एक्चुअली हैप्पी होता है नहीं इफ आई वुड से आई हैड अ हैप्पी डे इसका मतलब मेरा दिन अच्छा था तो दिन अच्छा नहीं था इसका मतलब मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था क्लियर तो हैप्पी पर्सन का तो मतलब यही हुआ कि पर्सन ही हैप्पी था तो ये ट्रांसफर एडिपथेट नहीं है बट जब एक एडजेक्टिव को हम ऐसे नाउन के साथ रखते हैं जहां एडजेक्टिव कुछ और बता रहा होता है वो किसी और चीज की क्वालिटी बता रहा होता है वो उस स्पेसिफिक नाउन को नहीं सिग्निफाई कर रहा होता है जो हमने उसके साथ प्लेस किया है तो हम कहते हैं उसको ट्रांसफर एपिथेट क्लियर तो यहां पर डे जो है वो खुद हैप्पी नहीं होता है वो पर्सन जिसका ये हैप्पी डे था उसका एक्सपीरियंस हैप्पी होता है क्लियर तो हैप्पी क्या बता रहा है उस पर्सन की फीलिंग वो उस नाउन को नहीं बता रहा दैट इज डे जो उसके साथ रखा है क्लियर तो ओवरऑल हम कहते हैं वेन द एगजटिव यूज विथ रेफर्स टू अ नाउन अदर देन द वन विथ विच इट इज यूज्ड उसे कहते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट क्लियर तो जब जिस नाउन को हमने प्लेस किया है किसके साथ एडजेक्टिव के साथ और वो एडजेक्टिव अगर उस नाउन को नहीं बल्कि किसी और नाउन को सिग्निफाई कर रहा है इसका मतलब ट्रांसफर हुआ है ये है ट्रांसफर्ड एपिथेट क्लियर जैसे कि एक और एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं वंडरफुल पर्सन क्लियर तो यहां पर वंडरफुल क्या है एडजेक्टिव है क्वालिटी है पर्सन क्या है भाई नाउन है तो यहां वंडरफुल क्या पर्सन को ही सिग्निफाई कर रहा है यस yes. तो ये ट्रांसफर्ड एपिथेट है क्या नो no. बट यहां मैं वंडरफुल की जगह कुछ और रख दू मैं रख दू वंडरफुल डे तो क्या डे वंडरफुल होगा खुद नहीं इसका मतलब जिस पर्सन का डे वंडरफुल गया है उस पर्सन का एक्सपीरियंस था वंडरफुल ना कि डे डे तो वही था बट जो एक्सपीरियंस था उस पर्सन का दैट वाज वंडरफुल तो फिर कह दोगे वंडरफुल डे हो गया ट्रांसफर्ड एपिथेट क्लियर अब देखते हैं इस पोव में कहा हमको दिखता है ट्रांसफर्ड एपिथेट तो जब हम पढ़ते हैं ना परसुइंग स्टिक कि स्नेक अपने आप को यू नो एस्केप करने की कोशिश कर रहा है अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है फ्रॉम दिस परसुइंग स्टिक अब परसुइंग क्या है परसुइंग का मतलब होता है 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 फॉलोइंग जो जो कर रहा है. अब एक बात बताओ, क्या ये जो स्टिक है, वो खुद ही परस्यू कर रही है ऐसा कुछ है क्या कि हवा में चल रही है स्टिक खुद ही खुद ही भाग रही है स्नेक के पीछे नहीं तो ये परसुइंग का मतलब क्या है कौन चेस कर रहा है ये वो पर्सन चेस कर रहा है उसके हाथ में स्टिक है तो स्टिक मूव नहीं कर रही है

सो नेक्स्ट लिटरी डिवाइस है एलिट्रेशन हमारी सबसे फेवरेट जो सबसे कॉमनली देखने को मिलती है और वो क्या है कि एलिट्रेशन एक ऐसी डिवाइस है जहां पर कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होता है बट वो जो साउंड है वो बिगिनिंग में होना चाहिए यानी कि जो भी साउंड रिपीट हो रहा है ना कॉन्सोनेट साउंड वो साउंड उस वर्ड के स्टार्टिंग में प्लेस्ड होना चाहिए कहीं मिड में ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं मिड में प्रेजेंट है कहीं एंड में प्रेजेंट है नहीं क्लियर बस ये कंडीशन होती है किसकी एलिट्रेशन की तो रिपीटेशन हो

उस लैंग्वेज को पढ़कर अगर आपके दिमाग में एक इमेज फॉर्म हो जाए यू कैन क्रिएट अ पिक्चर अबाउट द पर्सन और द द एनिमल और थिंग दैट हैज अबाउट इन दोज लाइंस देन यू कैन से कि इमेजरी क्या है भाई लिटरेरी डिवाइस जो यूज हुई है तो इमेजरी खुद बोल रही है इमेज बन गई आपके दिमाग में वर्ड्स पढ़कर तो लिख दो यहाँ पर लिटरेरी डिवाइस क्या है इमेजरी सो इट इज द यूज ऑफ लैंग्वेज टू क्रिएट अ पिक्चर विथ वर्ड्स

Indeed, you know, uh, think or imagine the picture or the image of this snake which is moving like this, then definitely, her imagery is the poetic device who use ki hai poet ne. Clear? All right. Next hai personification. अब ये भी हम discuss कर चुके हैं और खुद word बोल रहा हैं। अगर किसी भी चीज़ को non animate चीज़ को, जो कि क्या है भाई, जो living thing नहीं है उसको आप क्या कर रहे हो आप एक एनिमेट चीज या फिर आप जो है ह्यूमन बीइंग की क्वालिटीज एनिमल्स की क्वालिटीज दे रहे हो या फिर कुछ ऐसा जिसको आप पर्सन की क्वालिटीज दे रहे हो नॉर्मली ऐसे कह सकते हो जो कि एक ह्यूमन बीइंग नहीं है और उसे आप एक ह्यूमन की एक पर्सन की क्वालिटीज दे दे रहे हो उसे कहोगे परसोनिफिकेशन दैट इज अगर हम जैसे बोल दें कि यहाँ स्नेक जो है उसको क्या बोलना चाहिए हमें हमें यूज करना चाहिए इट ना एज द उ क्योंकि हमें नहीं पता वो स्नेक मेल है या फीमेल है क्लियर हम जनरली एनिमल्स के लिए इट ही यूज करते हैं बट यहाँ पोइट ने ही यूज किया है स्नेक के लिए इसका मतलब क्वालिटी और अदर नॉन ह्यूमन थिंग्स तो कोई ह्यूमन ना हो और उसको जो है

थिंकिंग अबाउट द पोम का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है वट इज द स्नेक ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम तो स्नेक जो है वो खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है राइट इस पूरी पोम में तो किससे बचा रहा है ऑब्वियसली उस स्टिक से उस मैन से जो कि उसको स्टिक को लेकर उसको फॉलो कर रहा है उसको चेस कर रहा है सो इट्स ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम द परसुइ स्टिक सो दैट इट कैन सेव इट्स लाइफ क्लियर सो द स्नेक इज ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम द परसुइंग स्टिक परसुंग मतलब फॉलोइंग देखो यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि डो नॉट Use the synonyms and anonyms, जब आपके पास एक अच्छा सा वर्ड दिया हुआ है कहा खुद पोम में या चैप्टर में क्योंकि ये जो डिफरेंट वर्ड्स होते हैं वही क्या करते हैं आपके आंसर्स को हाईलाइट करते हैं कि यस आपने अच्छे से पढ़ा है किसको पोम को या चैप्टर को और आप हर एक चीज सिर्फ अपने मन से ही नहीं लिख रहे हो क्लियर तो अगर आपको एक अच्छी लैंग्वेज का यूज दिखाना है आपके चैप्टर्स में तो डेफिनेटली आप क्या यूज किया करो वही वर्ड जो कि उस चैप्टर में गिवन हो क्लियर सो द स्नेक इज ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम द परसुंग स्नेक ह्यूमन ट्राई बींगा लेवल बेस्ट टू किल द स्नेक प्रिज्यूमिंग

नेक्स्ट है इज इट अ हार्मफुल स्नेक व्हाट इज इट्स कलर बहुत इजी है अगर हार्मफुल होता तो पोएट जो है वो पूरी पोम लिखते नहीं इस पे तो डेफिनेटली क्या है ये एक हार्मलेस स्नेक्स है स्नेक है इवन इट इज हार्मलेस टू चिल्ड्रन क्लियर और किस कलर का है ग्रीन कलर का है जैसे कि आपने पिक्चर में भी देख लिया है एंड ऑल्सो ये जो है अपने आप को छुपाने की कोशिश किसके पीछे करता है ठीक मार्शेस के पीछे रीड्स के पीछे जो कि खुद ग्रीन कलर के होते हैं क्लियर तो इसीलिए वो क्या है ग्रीन कलर का स्नेक है सो नो इट इज नॉट अ हार्मफुल स्नेक एंड इट इज ग्रीन इन Color, तो यहाँ पर क्योंकि इट्स पूछा गया है, गया है है इज इट बोला तो फिर वैसे ही लिखो फिर सकते हो बिकॉज खुद ने परिफाई किया है बट इट वुड बी वेरी ग्रेट इफ यू यूज द वर्ड इट फॉर द स्नेक क्लियर तो यहां बोलना है बस यही कि हार्मफुल स्नेक है क्या तो नो इट इज नॉट अ हार्मफुल स्नेक और किस कलर का है तो इट इज ग्रीन इन कलर डन ऑल राइट नेक्स्ट है द पोएट फाइंड द स्नेक ब्यूटिफुल फाइंड द वर्ड ही यूजेस टू कन्वे इट्स ब्यूटी तो पोएट जो है यहाँ पे ये बता रहे हैं कि स्नेक बहुत ब्यूटिफुल है और वो क्या बोलते हैं कि जब स्नेक मूव करता है तो वो जो कर्व्स और जो ट्विस्ट फॉर्म करता है वो क्या होते हैं बहुत ग्रेसफुल होते हैं बहुत ब्यूटीफुल होते हैं राइट और यही चीज है वो बोलकर क्या सिग्निफाई कर रहे हैं कि स्नेक जो है वो उनको ब्यूटीफुल दिख रहा है क्लियर अब वो कौन से वर्ड्स हैं जो उन्होंने पोम में यूज किए हैं वो सारे वर्ड्स जो है आपको बस यहाँ मैंशन करते हैं क्लियर सो द पोएट फाइंड द स्नेक ब्यूटिफुल द वर्ड्स दैट ही टू कन्वे इट्स ब्यूटी आर ब्यूटिफुल ग्रेसफुल ग्लाइड्स स्मॉल ग्रीन तो वो ये सारे वर्ड्स क्यों यूज कर रहे हैं क्योंकि इसके प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि वो जो है कि इमेज इमेजरी का यूज कर रहे हैं जो कि, कि लिटरी डिवाइस है ताकि वो एक पिक्चर क्रिएट कर पाए हमारे माइंड में सो दैट वी कैन एबल टू कनेक्ट एंड देन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट वी शुड नॉट ट्राई टू किल ईच एंड एवरी स्मेक दैट वी कम अक्रॉस तो यहां पे यही चीज बोल रहे हैं वो कि ये सारे वर्ड्स से जैसे ब्यूटीफुल जब उन्होंने बोला तो हाँ हमें पता चल रहा है उसकी ब्यूटी के बारे में ग्रेसफुल बोल रहे हैं ग्लाइड जब वो मूव कर रहा है तो कर्व्स बन रहे हैं स्मॉल एंड ग्रीन तो बहुत थिन सा स्मॉल सा और ग्रीन कलर का स्नेक है तो ये सारे वर्ड्स क्या बता रहे हैं ब्यूटी बता रहे हैं स्नेक की जैसे कि पोइट खुद देख पा रहे हैं क्लियर ऑल राइट नेक्स्ट है व्हाट इज द पोएट विश फॉर द स्नेक तो जब पोएट जो है एक लास्ट की कुछ लाइंस में बोलते हैं ना कि ओ लेट हिम गो राइट तो वहां पे वो क्या कर रहे हैं वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं हमसे कि स्नेक्स को किल मत कीजिए और उसे प्लीज जाने दो उसको जहां छुपना है छुपने दो बिकॉज वो हार्मफुल नहीं है क्लियर तो उनकी सिर्फ विश यही है कि हम स्नेक को छोड़ दें उसको जाने दें और उसको ना मारें क्लियर सो द पोएट विश दैट द स्नेक शुड बी अलाउड टू गो द स्नेक शुड नॉट बी

तो जो द स्नेक ड्राइंग टाइटल है पोम का दिस इज रिटन बाय डब्ल्यू डब्ल्यू ई रॉस ठीक है तो ये पोइट का नाम है डब्ल्यू डब्ल्यू ई रॉस जिन्होंने स्नेक पे हाउ क्यूट है ना तो स्नेक पे पोम लिखी हुई है सो so, दिस इज द स्नेक ड्राॅइंग अब स्नेक्स के बारे में ना जब भी हम बात करते हैं सपोज अगर मैं आपको बोलूं कि आप कहीं घूमने गए हो वहां पे आपको ना एक सांप दिख जाता है तो ऑब्वियसली आपका क्या रिएक्शन होगा आप डर जाओगे है ना आप डरोगे और जाके भागोगे ऐसा तो नहीं ना स्नेक को बोलोगे ओ oh माय गॉड ओ oh, लू 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 ऐसे करके प्यार व्यार करने वाले उसको या पकड़ के ऐसे बोलोगे वाह wow, चलो एक सेल्फी लेते हैं मतलब लोग करते भी हैं, बट जो नेचुरल रिएक्शन में वो बता रहे हो या फिर कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि वो स्टिक लेके या डंडा लेके भागे उस स्नेक के पीछे कि उसको मार देते हैं अदरवाइज ये हमको यू uh, नो you know, uh, एक तरीके से हमको डंक मार सकता है शॉर्ट sort ऑफ of, जिसकी वजह से पॉइजन आ जाएगा माई बॉडी में वी कैन डाई राइट तो ये नेचुरल रिएक्शन होता है बट क्या हम ये सोचते हैं कि वो स्नेक जब हमको हार्म नहीं पहुंचा रहा है तो वी शुड काइंड ऑफ ऑब्वियसली प्रोटेक्ट आर सेल्फ और इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको मार डालो करेक्ट वी आर नो बडी टू किल समी इस तरीके से ये पोम जो है आपको यही बेसिक मैसेज समझाने वाली है सो so, जो बुक में दिया हुआ है बारे में सोचते हैं वी ऑलवेज गेट अ पिक्चर इन माइंड की ये बहुत ज्यादा स्केरी विनमस पॉइजनस क्रीचर्स होते हैं एंड स्नेक मतलब डेथ पक्की है है ना मतलब अगर स्नेक हमको बाइट कर देगा डेफिनेटली वी आर गोइंग टू डाय तो ये एक बेसिक पिक्चर हमारे दिमाग में हमेशा बना रहता है विद रिस्पेक्ट टू स्नेक्स बट इन दिस पोम द स्नेक इज डिस्क्राइब एज अ विक्टिम हिमसेल्फ बट इस पोम में बिल्कुल कहानी पलट गई है यहाँ पर स्नेक को एक विक्टिम बताया गया है कि बेचारा वो है ठीक है और हम लोग हैं लाइक द ह्यूमन बींग्स हैं जो एक तरीके से उसको मारने की कोशिश कर रहे हैं सो so, ये स्नेक को विक्टिम दिखा कर पोइट क्या बताना वाले हैं वो हम पढ़ेंगे ऑल्सो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पोइट कह रहे हैं कि स्नेक अगर आपके, आपके साइड से गुजर जाता है आपको यू नो काटने आ रहा है तो आप वही खड़े रहो नहीं नहीं नहीं, नहीं बेचारे को मारना नहीं है बिकॉज पोइट ने कहा है ऐसा कुछ नहीं है आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है दैट इज ऑब्वियस थिंग बट जरूरी नहीं है आप उसको मारोगे तभी आप प्रोटेक्ट कर पाओगे अपने आप को बस ये एक छोटा सा मैसेज है जो आपको क्लियर होना चाहिए डन ओके चलो अब बिगिन करते हैं द फर्स्ट फाइव लाइन्स आई गेस यस फाइव लाइन ऑफ द पोअ The snake trying to escape the pursuing stick with sudden curvings of thin, long body. How beautiful and graceful are his shapes! अब पोएट कह रहे हैं एंड ऑब्वियसली पहला स्टैंडा नहीं है एज यू विल नोटिस आप अपनी बुक खोल के भी पता नहीं बैठे हैं कि नहीं यू शुड ओपन योर बुक एंड आपको देखने को मिलेगा कि एक वन गो में ही पोम है इट जस्ट वन स्टैंडा इट्स नॉट ब्रोकन ठीक है इट्स नॉट डिवाइडेड बट वी आर गोइंग टू डू इट बिकॉज हमें ऑब्वियसली पार्ट्स में समझना है सो so यहां पोइट क्या कह रहे हैं द स्नेक ट्राइंग स्नेक कोशिश कर रहा है क्या कोशिश कर रहा है टू एस्केप बच निकलने के लिए आ, कि वहां से वो भाग जाए अपने आप को प्रोटेक्ट कर ले किससे प्रोटेक्ट करे द मतलब स्टिक करना, करना पीछा करना ठीक है और स्टिक मतलब कोई भी लकड़ी अब एक बात बताओ कोई लकड़ी खुद पीछा करेगी क्या ये कोई कार्टून तो चल नहीं रहा है कोई एनिमेशन मूवी तो है नहीं तो यहाँ पे स्टिक मतलब ये बोलना चाह रहे हैं है? कि एक पर्सन है जिसके हाथ में स्टिक है और वो पीछे भाग रहा है स्नेक के ठीक है तो पर्सन वर्ड स्टिक के साथ यूज तो किया है बट ये इसके लिए है नहीं ये यूज किया गया है उस अपने आप को बचाने की भाग रहा है विथ सडन कर्विंग्स ऑफ थिन लॉन्ग बॉडी स्नेक, तो स्नेक है? है जो, है। thin, जो है उसकी बहुत ही लंबी और थिन सी बॉडी होती है राइट और वो जो चलता है ये कर्व करते हुए तो इस तरीके से जब वो क्रॉल कर रहा है ना तो क्या हो रहा है उसके कर्व बन रहे ठीक है तो पोएट ने बहुत अच्छे से एक इमेज बनाई मेरे दिमाग में देखो जब भी जब भी मैं लाइन बोलूंगी आपको इमेजिन करना है ग्रीन कलर का स्नेक है ठीक है उसके पीछे कोई अंकल जो है वो डंडी लेके डंडी स्टिक लेके भाग रहे हैं एंड ऑल्सो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए स्नेक जो है वो क्रॉल कर रहा है बट बटी कर्व फॉर्म कर रहा है उसकी लॉगर्थ थिन बॉडी है सब इमेज दिख रही है क्या आप इमेजिन कर पा रहे हो येस yes, क्योंकि ये पोइटिक डिवाइस हमको हेल्प करने वाला है समझने में ये पर्टिकुलर जो डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ

द स्नेक व ही इज ट्राइंग टू ए स्केप ही इज क्रॉलिंग फॉर्मिंग सम कर्व्स इन हिस्स थिन लॉन्ग बॉडी एंड दीज शेप्स और दीज कर्व्स आर वेरी ब्यूटिफुल अट्रैक्टिव फैसिनेटिंग एंड ग्रेसफुल अकॉर्डिंग टू द पोइट अब जब मैं आपको ये लाइन्स हिंदी में समझा रही हूं जब मैं आपको इंग्लिश में समझा रही हूँ दिस इज हाउ आपको लिखने की आदत डालनी है इफ यू फील दैट यू हैव वन मोर वर्ड दैट कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ ग्रेसफुल गो विद इट ठीक है और यही क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस कहलाता है यू कांट बी स्पून फीडेड कि हाँ यही क्वेश्चन आएगा बेटा ये आंसर खा के जाना वहीं पे आपको वॉमिट आउट करना है नो no. आप आंसर्स लिख सकते हो सबसे पहले तो अपने पे कॉन्फिडेंस जगाओ कि हाँ आंसर लिखने हैं मैं लिख सकता हूं लेट मी ट्राई इट ठीक है अपने आंसर्स लिखो कोशिश करो कि क्या कुछ गलती है क्या इफ यू हैव अ फ्रेंड या अपने पेरेंट्स या सिस्टर ब्रदर कोई भी एल्डर या अपने टीचर से डिस्कस करो कि इस दिस आंसर लुकिंग गुड क्या मैं लिख पा रहा हूँ इफ यू फील कि ग्रेसफुल वर्ड तो सब लिखेंगे क्यों ना मैं इसका कोई अच्छा सा सिनोनिम ढूंढूँ प्रैक्टिस करो देखना आपको मजा आएगा साथ ही साथ आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव होगी एंड ऑल्सो मार्क्स तो अच्छे आने ही ठीक है थीके? तो आई होप ये काम करेगा ऑल्सो डोंट वारी आंसर्स लिखना मैं समझाने वाली हूँ फर्स्ट सब कुछ कर लेते रिवाइज फिर बहुत आसान हो जाएगा आंसर्स लिखना क्लियर ओके तो ये है पहले की कुछ लाइंस। लाइन लेट्स रीड इसका पूरा डिस्क्रिप्शन जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं एक बार पढ़ लेते हैं सो अ स्नेक इज ट्राइंग टू एस्केप हिमसेल्फ फ्रॉम द मैन हु इज ट्राइंग टू कैच हिम विद अ स्टिक ठीक है तो स्नेक इज ट्राइंग टू एस्केप ही इज ट्राइंग टू स्केट स्नेक इज ट्राइंग है ना तो द स्नेक ट्राइंग वॉर द स्नेक इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट इट सेल्फ सो एक स्नेक है अपने आप को बचा रहा है ताकि किससे बचा रहा है एक पर्सन से जो उसके पीछे स्टिक लेके भाग रहा है वेन ही मूव हिज लॉन्ग बॉडी कर्व एंड ट्विस्ट जैसे वो मूव करता है क्रॉल करता है उसकी जो लॉन्ग बॉडी है वो कर्व बना रही है ट्विस्ट कर रही है नहीं, इस तरीके से शेप बन रहा है अकॉर्डिंग टू द पोइ द मूवमेंट ऑफ द स्नेक इज ग्रेसफुल एंड एलिगेंट पोइट के हिसाब से ये जो मूवमेंट है बहुत ही खूबसूरत एंड डेफिनेटली मतलब कभी आपको ऐसे देखने को मिलता है जो वाइल्ड लाइफ चैनल होते हैं स्टफ तो आप यही देखोगे कितने बनते हैं दैट दिस रियली लुक इज मूविंग टू स्केप हिज बॉडी लुक्स ब्यूटिफुलटिंग एंड ग्रेसफुल क्लियर ओके चलो नेक्स्ट लाइन्स पे आते हैं ही ग्लाइड थ्रू द वॉटर अवे फ्रॉम द स्ट्रोक ओ, लेट हिम गो ओवर द वाटर, इन द रीड्स, टू हाइड विदाउट हर्ट स्मॉल एंड ग्रीन ही इज हार्मलेस इवन टू चिल्ड्रन अब क्या बोल रहे हैं धीरे धीरे पढ़ते हैं ही ग्लाइड्स थ्रू द वाटर अवे पानी से ना बिल्कुल ऐसा लग रहा है ग्लाइड कर रहा है स्मूथली मूव कर रहा है पानी में फ्रॉम द स्ट्रोक मतलब जिस तरीके से उसको डराया जा रहा है कि भाई अभी उसको हिट कर दिया जाएगा उससे बचते हुए वो जो एक पुश है एक जो खतरा है उसके पीछे उसे बचते हुए वो पानी में बहुत स्मूदली जो है मूव कर रहा है ओह लेट हिम गो यहाँ पे पोइट आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि स्नेक को जाने दो आप पर्टिकुलरली उस ह्यूमन बीइंग से रिस्पेक्ट कर रिस्पेक्ट नहीं रिक्वेस्ट कर रहे हैं जो कि स्टिक लेके भाग रहा है स्नेक के पीछे ठीक है तो लेट हिम गो ओवर द वॉटर तो पोइट कह रहे हैं उसको जाने दो पानी के ऊपर से कहां पर इनटू द रीड्स टू हाइड रीड्स क्या होते हैं कुछ ग्रासेस टाइप की होती हैं जो पानी के अराउंड बहुत पाई जाती है इस तरीके के दिखते हैं रीड्स तो पोइट कह रहे हैं कि उसको जाने दो इस रीड्स में क्यों जाएगा वो डेफिनेटली छुपने के लिए मतलब इसमें ना भी मुश्किल हो जाएगा स्नेक को पकड़ना क्योंकि बहुत ज्यादा बुशी है तो थोड़ा ऐसे केमोफ्लास टाइप का भी हो जाएगा कंडीशन एंड मे बी वो दिखेगा नहीं है ना तो इसको छुपने जाने दो स्नेक को कहाँ पर उस रीड्स में विदाउट हर्ट उसको प्लीज कुछ भी ऐसा मत करो जिससे उसको नुकसान पहुंचे वो हर्ट हो हर्ट इन द सेंस दिल से नहीं हर्ट मतलब इंजरी ठीक है ना उसको कुछ ऐसा नहीं करना है कि उसके ऊपर कोई चोट-वोट लगे या वो छोटा स्नेक है चिल्ड्रेन और ये स्नेक जो है वो पॉइजनस नहीं है वो हार्मलेस है बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाता इवन बच्चों के लिए भी वो हार्मलेस है तो ऑब्वियसली बड़े लोगों के लिए तो होगा ही तो इस तरीके से पोइट क्या कह रहे हैं He, now, the snake is gliding through the water. He smoothly moving through the water. Why is he moving? He is trying to save himself and hide into the reeds. To this, the poet requests each and every reader or each and every human being that please do not hurt the snake, that is, do not kill it, and let him go. Allow him to go and save himself and hide into the reeds. He is, या फिर it is बोलना वैसे, बट पोइ ने ही बोला है तो हम ही बोलेंगे वैसे करना स्नेक के लिए पोइट से स्नेक इज नॉट विनमस और पॉइजनस इट इज हार्मलेस इवन इट इज हार्मलेस टू द चिल्ड्रन सो दिस इज हाउ दीज लाइन्स आर एक्सप्लेनिंग टू यू और टेलिंग यू दिस आई होप सब क्लियर है ठीक है चलो एक वार पढ़ लेते हैं इसको The poet says that the snake moves through the water to save himself. अपने आप को बचाने के लिए snake जो है पानी की तरफ से जा रहा है He glides that is moves smoothly through the water. That is अच्छा ठीक है He glides that is moves smoothly through the water. Glide करने का मतलब बहुत smooth motion में जाना The poet requests that we should let him escape through the water. क्वेस्टिंग अस कि प्लीज उसको जाने दो एंड द पोइट वॉट इज पोर्ट इट पोइट एंड द पोइट रिक्वेस्ट दीपल टू लेट एम हाइड बिहाइंड रीज सो देर आर टू रिक्वेस्ट द पोइट इज मेकिंग नंबर वन दैट वी शुड लेट हिम एस्केप जाने दो उसको दूसरी बात वी शुड लेट हिम हाइड उसको छुपने देना चाहिए बिहाइंड रीच ऑल्सोइट इज रिक्वेस्टिंग यू उसको हर्ट मत करो डोंट किल इट और डोंट काइंड ऑफ यू नो हिट इट विद देल्प ऑफ अ स्टिक अदरवाइज इट कैन गेट वोन्डेड जो की अच्छी बात नहीं है the small green colored snake is harmless the poet also tells that it is a small and green color ka snake which is harmless he does not hurt even the children even bachcho ko bhi wo hurt nahi so the snake is So स्नेक्स से भाई तुम काटते हो तो पॉइजन है कि नहीं तुम्हें या फिर हमने कुछ ऐसी स्टडी थोड़ी की है वी नो की क्या है स्नेक्स कौन से हार्मलेस है हार्मफुल है बट ये जोक्स अ पार्ट ऑब्वियसली एक चीज है कि पोइट ये कह रहे हैं कि भाई जब तक आपको ये नहीं लग रहा है ना कि कुछ काटने वाला लाइक बहुत दूर आपको स्नेक दिख रहा है आप उसको मारने जा रहे हो या कुछ ऐसा यू कैन डू वन थिंग आप उसको पकड़ के कहीं छोड़ सकते हो इफ इट इज पॉसिबल ठीक है अदरवाइज पोइट आपको यही कह रहे हैं डोंट किल इट नाउ प्लीज डोंट मेक इट अ टॉपिक कि मैम ऐसे कैसे आप बोल रहे हो कि स्नेक को क्या काटने देंगे ऐसे -सा, ये सारी चीजें नहीं करनी है डिस्कस क्या डिस्कस करना है कि भाई पोइट क्या बोलना चाह रहे हैं ठीक है तो जो पोम में है हम वही पढ़ेंगे डोंट मेक इट योर पॉइंट ऑफ व्यू कि आप कुछ भी उल्टा सुल्टा लिख दो नहीं ठीक है ऑल राइट चलो अब आ जाते हैं लास्ट लाइंस पे नेक्स्ट लाइन्स में पॉइंट कह रहे हैं अलोंग द सैंड ही ले अंटिल ऑब्जर्व्ड एंड चेज्ड अवे एंड नाउ ही वैनिशेस इन द रिपल्स अमंग द ग्रीन स्लिम रीड्स पॉइंट कह रहे हैं कि अब जो है मिट्टी पे है सांप ठीक है सैंड पे है मिट्टी नहीं रेत पे है ना सैंड पे सांप है और वो बैठा हुआ है ले मतलब रखा हुआ है बैठा हुआ है अनटिल ऑब्जर्व कब तक वो वहीं पे बैठा रहेगा सैंड पे जब तक उसको कोई देख नहीं लेता उसको कोई ऑब्जर्व नहीं कर लेता एंड अवे और उसको भगाने की कोशिश नहीं करता एंड नाउ ही वैनिशेस बट अब वो भागेगा ठीक है क्यों क्योंकि क्यों, उसको क्यों, 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 समझ आ गया कि मुझे खतरा है तो वो अपने आप को बचाने के लिए भाग रहा है वैनिश यानी गायब हो जाएगा इन द रिपल्स रिपल्स क्या होता है जैसी पानी में कुछ भी चीज जैसे पानी है ठीक है उस पर अगर कुछ भी चीज होती है तो ऐसे नहीं ऐसे गोल गोल यू नो ऐसे ऐसे बनने लगते हैं पानी में सबको पता होगा रिपल क्या होता है लाइक पानी में कुछ भी डालते हैं तो ऐसे सर्कल बनने लगता है उसको रिपल कहते हैं तो उस रिपल में वो गायब हो जा रहा है अमंग द ग्रीन स्लिम रीड्स रीड्स हमने देख लिया ग्रीन कलर के हैं दीज ग्रासेज आर मोस्टली पानी के अंदर पानी के अराउंड ठीक है तो वहां पर ये गायब हो जाता है तो वो क्या कह रहे हैं इन द लास्ट फ्यू लाइन्स दैट द स्नेक इज लाइंग ऑन द सैंड Until he 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 is 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 observed by somebody and being chased away or been, you know kind of उसको भगाने की कोशिश की जा रही है एंड नाउ वो क्या करेगा It will disappear in the ripples विल डिस कहा green slim पतली सी reeds है उसमें तो बहुत ही आसान पोव है देर इज नॉट एनी कोई टाइप का थिंग जो आपको क्लियर नहीं होगा और इस तरीके से आपकी पोव की लाइन खत्म होती है चलो इसको हम समराइज करते हैं देन हम पूरी पोम क्या समझे वो समराइज करेंगे द पोइट से सैंड टिल वॉज नॉट ऑब्जर्व तो वो मस्त बैठा हुआ है स्नेक सैंड uh, पे कब तक जब तक हमने उसको नोटिस नहीं किया तो वो अभी उसको खतरा लग नहीं रहा है तो वहीं पर है देन ही चेज अवे बाई पीपल होल्डिंग स्टिक्स इन देंड फिर उसको चेज अवे भगाने की कोशिश की जा रही है ऑब्वियसली स्टिक के थ्रू फर्स्ट एजा में क्लियर है और अब उसको समझ आ रहा है कि भाई ये लोग मेरे को मार सकते हैं तो वो अपने आपको बचाने के लिए टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ ही डिस इन द वॉर वो पानी में गायब हो जाएगा देन ही हाइड इन द ग्रीन एंड थे जो ग्रासेस है रीड है थिन ग्रीन कलर की उसमें वो एकदम से गायब

सिंपथी मतलब आप दया दिखाते हो लाइक अगर आप किसी को देख रहे हो जो बहुत बुरी कंडीशन में है या बहुत ज़्यादा पुअर है या बहुत दुख में है तो आपको उसको उस पर दया आ रही है जरूरी नहीं है कि आप अपने आप को उस जगह पे रख के सोच रहे हो नहीं बस आपको बुरा लग रहा है एम्पथाइज करने का मतलब होता है कि आप अपने आप को सामने वाले की जगह रखकर सोच सकते हो कि नहीं इस पर क्या गुजर रही होगी मैं समझ सकता हूँ और वो होता है एम्पथाइज करना ठीक है तो दया करना और एम्पथाइज करने में बहुत बड़ा डिफरेंस है एम्पथाइज करने की स्किल जो है सभी में होनी चाहिए मतलब हम ह्यूमन बींग्स हैं ह्यूमन बींग्स मतलब हम में ह्यूमैनिटी होनी चाहिए है ना और अगर हम में इंसानियत ह्यूमैनिटी है इसका मतलब हम दूसरों की जो कंडीशन है हम पहले समझ सकते हैं ना हमको कोई समझाने की जरूरत ना पड़े या हमको दया आए ज़रूरी नहीं है हम ना थोड़ा रिलेट कर सकते हैं लाइक वी कैन पुडा फीट इन समी एल्सिस शूज है ना सुना होगा आपने ये इंग्लिश में तो अपने आप को दूसरे की जगह पे रखकर समझना करना. और हमको यही समझा रहे हैं कि भाई, के साथ भी करो. होना should, है? हमें कभी भी एनिमल्स को इसीलिए किल नहीं करना है एनिमल्स जस्ट बिकॉज वो हमारी आंखों के सामने है. है ना कि भाई ये जानवर है हमको पक्का मारेगा उसको मार देते हैं कभी नहीं करना जैसे कई बार ऐसा होता है कि आ, अगर आपकी सोसाइटी में आपके घर के सामने कोई यू नो डॉग वगैरह आ जाता है आ, कोई भी आ, स्ट्रीट डॉग है या स्टाफ और कई लोग होते हैं जिनको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है उसको इतनी बुरी तरीके से भगाते हैं या कोई काऊ वगैरह गाय वगैरह आपके घर के सामने आ जाती है तो आप उसको इतनी बुरी तरीके से भगाते हो हट हट करते हैं लोग लाइक ये बहुत कॉमन है है ना क्यों करना है अगर आप चाहते भी हो कि वहां से हट जाए मे भी कुछ यू you नो know, आपके कपड़े रखे हैं या फिर कुछ चीजें रखी है जो खराब हो सकती हैं कोई बात नहीं

जस्ट बिकॉज आपको लगता है कि वो पॉइजनस है अगर वो आपको हार्म नहीं कर रहा है कुछ कर ही नहीं रहा तो क्यों बेचारे को मार रहे हो तो वो एक चीज है जो पॉइंट आपको समझा रहे हैं ऑल्सो वी शुड रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी क्रीचर ऑफ द वर्ल्ड दिस इज द वेरी बिग मैसेज एक डीप विद इन कि कुछ भी इस दुनिया में है कोई भी क्रीचर है प्लीज रिस्पेक्ट ठीक है रिस्पेक्ट दी अदर ह्यूमन बींग ऑल्सो रिस्पेक्ट एवरी एनिमल एवरी क्रीचर इवन द इंसेक्ट्स कभी भी मजे के लिए ना मार वारना ये सब इट्स नॉट अ गुड थिंग है ना तो ये चीज हमें नहीं करनी है वी शुड ऑलवेज डेवलप दैट एम्पथी दैट क्या बोलूँ दैट गुड काइंडनेस एंड ह्यूमैनिटी विद इन योर सेल्फ दैट यू डोंट ट्रीट एवरी क्रीचर और एनिमल जस्ट लाइक कि मतलब ये तो कुछ बोलेंगे थोड़ी तो लेट्स किल डोंट डू दैट ऑल्सो अ स्नेक ऑलवेज बाइट्स इन सेल्फ प्रोटेक्शन ओनली एंड इवन कोई भी एनिमल अपने सेल्फ डिफेंस में ही आपको हार्म पहुंचाता है मतलब कुछ एनिमल्स होते हैं माइट बी दे आर ऑलवेज दैट अग्रेसिव कि वो आपको हार्म पहुंचा सकते हैं बट देर आर अदरवेज दैट यू कैन प्रोटेक्ट योर सेल्फ विद बहुत एक्सट्रीम कंडीशन आ जाती दैट इज समथिंग बट इफ यू हैव अदर ऑप्शन टू डील विद इट गो फॉर इट डू नॉट किल एनी क्रीचर एनिमल जस्ट आपको ऐसा लग रहा है कि भैया ये कार्टवर्ड दे तो तुम आ डालो नो no. सो so, ये एक चैप्टर है पोम है विच इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग इट गिव्स यू अ वेरी नाइस मॉरल मैसेज और ये शुड नॉट होना चाहिए प्लीज मेक नोट ऑफ इट क्लियर सो इस तरीके से पूरा पोम डन है समरी डन है मैसेज क्लियर है हो गया अब राइम स्कीम पे आते हैं और डिस्कस करते हैं पोइटिक डिवाइस अब राइम स्कीम के लिए ना ऑल्सो याद देर आर टू थ्री पॉइंट इंक्लूड कर लिया राइम uh, स्कीम के लिए हम फिर से पूरा स्टैंडर देख लेंगे एंड देन वील मूव ऑन टू कि आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि राइम स्कीम सच में है या नहीं ठीक है सो अदरवाइज इट इज एज हार्मलेस एज एनी अदर क्रीचर बट वी ह्यूमन बींगस ऑलवेज ट्राई टू किल इट एज सुन एज वी सी इट तो स्नेक और कोई भी क्रीचर जो है दे कैन बी वेरी हार्मलेस टू यू बट जस्ट फॉर द सेक हमको ऐसा लगता है कि एज बी सॉल्ड लेट्स जस्ट किल इट हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है हमें मारना ही है स्नेक को या किसी भी क्रीचर को तो वही एक मैसेज है जो बार बार मैं बता रही हूं आई होप दिस इज क्लियर टू यू बिकॉज यू माई गेट अ क्वेश्चन कि वॉट एक्चुअली द पोट वॉन्ट्स टू टेल यू या फिर आप कोई इंसिडेंट शेयर करके समझाओ कि वी शुड नॉट बी इल ट्रीटिंग एनिमल्स एंड स्टाफ तो इस पर कुछ भी ऐसे टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाता है आई होप यू विल बी एबल टू एक्सपैंड दीज पॉइंट ठीक है चलो अब राइम स्कीम पे आते हैं राइम स्कीम कुछ भी नहीं है और ये प्रूफ हो जाता है देखो नेक्स्ट मेरा स्टैंडा है हाँ जैसे आप पढ़ोगे ना स्नेक ट्राइंग एस्केप द परसुइंग स्टेक थिन बॉडी ब्यूटिफुल शेप्स तो इसमें जैसे आप पूरी लाइंस पढ़ते हो इकट्ठे हो सकता है आपको बीच बीच में कहीं राइम दिख जाए इंटरनल राइम है ताकि फ्लो मेंटेन रहे पोम का ठीक है बट जो एक्चुअली राइम्स की होती भैया वो हम आखिरी के शब्दों पे देखते हैं है ना तो वो नहीं है वो एग्जिस्ट नहीं करती कोई पर्टिकुलर राइम स्कीम है ही नहीं बस पोम चलती जा रही है चलती जा रही है कहीं पे फुल स्टॉप बीच में आ जा रहा है कहीं पे एंड बाद में हो रही है तो ये राइम स्कीम एग्जिस्ट नहीं करती है बढ़िया से इंटरनल राइम स्कीम है जिससे फ्लो मेंटेन्ड है तो अगर आंसर आता है वॉट इज द राइम स्कीम एंटायर पोम इज रिटर्न इन फ्री वर्स कोई भी राइम स्कीम एग्जिस्ट नहीं करता है क्लियर चलो अब आखिरी चीज पे आ जाते हैं विच इज गोइंग टू बी द पोएटिक डिवाइज ऑफ दिस पोअम तो कुछ पोइटिक डिवाइसेस हैं अराउंड चार चार पांच हैं तो हम वो पढ़ लेते हैं सो दैट यू आर वेरी मच क्लियर विद कि एग्जैक्टली exactly क्या चल रहा है सबसे पहले ट्रांसफर्ड एपिथेट मैं पहले भी बता चुकी हूं ट्रांसफर्ड एपिथेट के बारे में कई ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन वगैरह के लिए यूज हो रहे होते हैं या किसी और के लिए यूज हो रहे होते हैं फॉर्म में बट उसको उसकी जगह ना किसी और वर्ड के साथ ट्रांसफर कर दिया जाता है ठीक है जैसे यहाँ पे हम बात करें पर्सुइंग स्टिक की मैंने आपको पहले बता दिया कोई लकड़ी या स्टिक जो है खुद, खुद चल के नहीं जाएगी स्नेक के पीछे है ना? Snake, स्टिक चेज नहीं कर रहा है पर्सन के हाथ में स्टिक है ऐसा लग रहा है तो यहां पर्सन इज परसुंग नॉट लाइक द ह्यूमन बींग मैन और वुमन इज परसुंग नॉट द स्टिक तो यहां परसुइंग वर्ड को स्टिक के साथ यूज कर ट्रांसफर कर दिया इस वर्ड को इसीलिए यहां पर स्टिक इज गोइंग टू एक्ट एज द फर्स्ट पोइट्रिक डिवाइस जो कि है ट्रांसफर्ड डन ओके सेकेंड आ जाते हैं किस पे एलिट्रेशन एलिट्रेशन क्या है जो भी देखो अगर आपको पोइटिक डिवाइस की डेफिनेशन चाहिए ना सबके वीडियोस ऑलरेडी बने हुए हैं तो ये वन शॉट है तो मैं आपको रिवाइज कराऊंगी सो दैट आपको क्लियर रहे कि हाँ मेरे को क्या क्या पोइटिक डिवाइस याद नहीं आती ठीक है एलिट्रेशन में क्या होता है एक तरीके का रिपीटेशन है किस चीज का रेपिटेशन है कॉन्सोनेंट साउंड का किसी भी लाइन में पर वर्ड के बिगिनिंग में आना चाहिए चार चीजें टिक कर लो देखो सबसे पहली बात क्या है रेपिटेशन किस चीज का कॉन्सोनेंट साउंड का कहां पर सेम लाइन के वर्ड्स में वर्ड्स के कहा बिगिनिंग में जैसे ही इज हार्मलेस चलो ये लाइन हम यहां पे ढूंढ लेते हैं कहां पे लिखा हुआ he is harmless, he is harmless, है ही ही इज इज हार्मलेस हार्मलेस ये रहा रहा दिख है ह साउंड है ही के आगे कॉन्सोनेंट साउंड है वैसे ही हार्मलेस में ह साउंड है है ना एच का साउंड ह साउंड आ रहा है हार्मलेस ही तो ये कॉन्सनेट साउंड है सेम लाइन में है और सबसे अच्छी बात वर्ड के बिगनिंग में है ये देखो यहाँ पे भी ह साउंड बिगनिंग में यहाँ पे भी ह साउंड बिगनिंग में तो यहाँ एग्जिस्ट करती है ओ माय गॉड यहाँ एग्जिस्ट करती है आपकी सेकेंड पोइट्रिक डिवाइस विच इज एलिटरेशन ह साउंड बिगनिंग में सेम लाइन में वर्ड्स में क्लियर ओके नेक्स्ट आते हैं इमेजरी मैंने आपको बोला था इमेजिन करो कि ऐसे से जब भी पोइट बोल रहे हैं आपको क्या एक पिक्चर फॉर्म हो रहा है

फॉर्म कर रहे हैं, है ना तो इसीलिए यहाँ इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है तो इमेजरी पर थर्ड पोइटिक डिवाइस जो इमेजरीफिकेशन okay, जब भी कोई एनिमल या बर्ड किसी पर भी पोम लिखी जाती है ना जनरली हम इट का यूज करते हैं बिकॉज वी कांट यूज ही एंड शी विदेम है ना बट अगर कभी कोई पोइट या पोइटिस ऐसे क्रीचर uh, के साथ जिसके साथ हम ही और शी का यूज नहीं करते एंड दे यूज इट दे कीप द प्रोनाउन ही और शी टू डिस्क्राइब फॉर श्योर वो पर्सन की क्वालिटी दे रहे हैं तो पर्सोनिफिकेशन कर रहे हैं ठीक है तो जब हम लाइन पढ़ते हैं ही ग्लाइड थ्रू द वॉटर अ वे यहां पर जो लाइन है लेट्स रीड कहां पर दिया भाई? वेरी uh, glides, glides, इजी तो, तो यह तो तो आपकी कौन सी फोर्थ पोइटिक डिवाइस हो जाती है सो आई होप आप ट्रांसफर्ड एपिथेट एलिट्रेशन इमेज री परसोनिफिकेशन नहीं भूलोगे दीज आर दोइिक डिवाइसिस जिसको बहुत ज्यादा उपयोग किया गया है इन दिस पोर्ट इजी है ऑल राइट right. चलो

सो नाउ वी आर डन विद कंप्लीट बट इट्स योर पार्ट आपको क्या करना है यू नीड टू फॉर्म आपके खुद से ही क्वेश्चन बनाओ और आंसर लिखने की कोशिश करो है ना अगर आपको मतलब आपको कोशिश करनी कि आप एटलीस्ट सेवेंटी एट्टी वर्ड्स का आंसर सभी पे लिख लो आप उन्हीं क्वेश्चंस पे ट्वेंटी थर्टी वर्ड्स थर्टी फोर्टी वर्ड्स सब के आंसर लिखने की कोशिश करो एंड प्लीज मेक श्योर अगर आप किसी एक पूरी लाइन को एक वर्ड से सब्सटीट्यूट कर सकते हो जो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का पार्ट है

पढ़ सकता हूं सब कुछ आपके सामने example, है क्लिक एंड एक्सप्लोर फॉर एग्जाम्पल एन टी एस की प्रिपरेशन क्लिक ऑन इट टू गए गेट सब्जेक्ट्स ठीक है एंड ऑब्वियसली टॉपिक्स पे कैसे पहुंचना भी मैं वीडियो दूंगी ऑल्सो किंड गार्डन से क्लास ट्वेल्थ तक किसी भी क्लास का कोई भी सब्जेक्ट कोई भी टॉपिक खुद पढ़ना चाहते हो या दोस्त हैं आपके या छोटे भाई बहन है बड़े भाई बहन है किसी को भी पढ़ना है ना फॉर दे कैन गो थ्रू दिस ऑल्सो देर आर सो मेनी थिंग्स जैसे कि अगर आपके घर में आपके पेरेंट्स या फिर आपके एल्डर सिस्टर ब्रदर कोई भी एक्टिविटी वगैरह आर्ट्स वगैरह में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है बहुत अच्छा लगता है उनको यू you नो know, कुछ ना कुछ बनाते रहना डेफिनेटली आप एक्स्ट्रा लर्निंग पे क्लिक करो बहुत ही बेहतरीन एक्टिविटीज जो है वो भी कराई जाती है चैनल पे सो वी आर ट्राइंग की आपका हर एक एस्पेक्ट में हर एक लेवल में यू you नो know, एक ग्रोथ हो सो प्लीज मेक श्योर की आप सब चीजों का जो है एडवांटेज ले सके सो फॉर एग्जाम्पल आपको ना वन शॉर्ट रिविजन देखना है वो हैव टू डू इज जस्ट क्लिक ऑन दिस आपके सामने ना वन शॉर्ट रिविजन के सारे जो फोल्डर्स है वो डिस्प्ले होंगे लाइक क्लास ट्वेल्थ का किसी को वन शॉर्ट रिविजन इलेवंथ का टेंथ का नाइन्थ का जिसका भी वन शॉर्ट रिविजन देखना है ना क्लिक ऑन द फोल्डर टू गट द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट फॉर एक्साम्पल क्लास नाइन का आपको क्लिक आप करो देखो आप सामने सारे जितने भी सब्जेक्ट uh, होंगे ना डिप्ले होंगे क्लिक ऑन द सब्जेक्ट टू गेट द लिस्ट ऑफ विडियो फॉर एक्साम्पल टॉपिक

इक द पोम एंड बहुत ही आसान सी पोम है ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है बट द मैसेज इज वेरी वेरी क्लियर टू यू आई होप इसको अलग डायरेक्शन में मत लेके जाना अरे मैम ऐसे कैसे स्नेक ने काट लिया तो वेट थोड़ी करेंगे ऐसी सब चीजें नहीं आएंगी डोन्ट वरी आपको एक बेसिक चीज समझनी है कि सारे क्रीचर्स इक्वल है प्लीज ट्रीट दैम वेरी नाइसली काइंडनेस मत भूलो ह्यूमैनिटी को मत भूल के रखो घर पर मतलब पैक करके नहीं रखना है ऑलवेज कीप दिस इन माइंड डन ओके चलो सो इफ यू फील दट दिस पोम इज क्रिस्टल क्लियर टू यू कोई डाउट नहीं है टू दरअसल ज मनी पीपल एज यू कैन ताकि सबको यह मैसेज क्लियर हो ऑल्सो शेयर अबाउट दैनल विताज मेनी पीपल एंड स्टूडेंस को एडवांटेज मिले कोर्स आर गोइंग ऑन ऑन द चैनल एंड ये अगर खुद कोई अपडेट मिस नहीं करना चाहते हो वेरी वेल नो व्यूव टू डू जस्ट सब्सक्राइब टू दैनल सो विध दिस डो नॉट डेयर एंड सब्सक्राइब एंड वीव कम टू एंडलो वीडियो बट इन टू मीट वेरी सुन विद नेक्स्ट टॉपिक टिले ऑफ यूर सेल्फ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बाई